हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये रियलमी का फ़ोन है। रियलमी का फ़ोन, इसमें अचानक टच काम करना बंद कर दिया है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ हो जाता है कि अचानक आपका टच काम करना बंद कर दे, या आपका डिस्प्ले हैंग हो जाए, या आपका माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर दे एक साथ, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना भी चाहते हैं तो स्विच ऑफ नहीं हो रहा क्योंकि आपका टच काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करना है। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, पावर बटन को प्रेस करके और वॉल्यूम अप बटन को, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है 10 से 15 सेकंड तक, तो आपका जो है ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके थोड़ा टाइम तक रखना है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। चलिए आपको मैं बता दूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप चलाते चलाते आपका टच काम करना बंद कर देता है, आपके डिस्प्ले पर फिगर आना बंद हो जाता है, या माइक स्पीकर रिंगर काम करना बंद कर देता है। ऐसे में आपका मोबाइल हैंग हो जाता है और अधिकतर टच हैंग प्रॉब्लम उस सेट में होता है जिसमें फोल्डर चेंज हुआ होता है, उसमें अधिकतर टच काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके साथ हो जाता है तो एक बार अपने फ़ोन को रिबूट कीजिए। रिबूट करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। रिबूट करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को प्रेस करके रखना है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा, थोड़ा टाइम हम यहाँ पे वेट करेंगे। चलिए, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है तो तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पर वेट करेंगे। चलिए, उसके बाद हमारा फ़ोन थोड़े समय में ऑन होने वाला है। उसके बाद आपको चेक करके दिखाऊंगा कि हमारे मोबाइल का जो है टच काम करता है या नहीं काम करता था। पहले तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो गया है और यहाँ पे देखिए हमारा जो है टच काम करने लगा है। तो एक बार आप अपने फ़ोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।